हेमंत सोरेन ने आए थे, बोले थे नियोजन नीति हम बनाएंगे। 5 साल बीत गया, आज तक नियोजन नीति बना? रघुवर दास ने 1985 की नियोजन नीति बना करके 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। मजदूरी भत्ता होता था, आज किसी को नहीं मिला। 5 साल में किसी खाता में नहीं आया। मैं तो खुद मजदूर हूँ, मैं खुद लेबर हूँ, मेरा खुद श्रम कार्ड है, कभी नहीं आया। आज ये हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना चलाया, वृद्धा लोगों को पेंशन बंद कर दिए। हमारी सरकार बनेगी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 2500 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। क्या गलतियां हुई हेमंत सोरेन से? गलतियां हुई है कि उनके दलाल को, उनके दलाल को बच्चा को पेपर दिया जाए, वो पेपर को पास किया जाए और गरीब को बच्चा को हटाया जाए। क्या विजन है सिमरिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? सिमरिया को इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय उज्जवल दास जी को भारी मतों से जिता करके विधानसभा भेजना है। अभी ऐसे भ्रष्टाचार का लुप्त लगा हुआ है कि मानो कि जनता भी त्राही त्राही मच रहा है। मैं हेमंत सरकार के सोरेन में जो भी बाहर निकला, कभी पेपर लीक, कभी घुसपैठी, और वो भी कहा उनका लोकल, वो भी कहा क्षेत्र से भी आते, वो जिस आते हो विधानसभा से, वहाँ से जातीय आवासीय बनाने के लिए भी वहाँ पैसे दिए जाते हैं। सरकार 2 साल कोरोना में निकल गई, कुछ हम कार्य करने जाते हैं तो हमारे केंद्र सरकार अटंगा लगा देती है, बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं। बात सही बोली केंद्र सरकार, आप खुद के चोर रहेंगे तो चोर को सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आपसे पूछते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खगेश्वर साहू जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज अमित शाह आए थे सिमरिया की पावन धरती पर, उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंच प्रण पत्र या फिर यूं कहें घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें बड़े लंबे चौड़े वादे किए गए हैं। क्या लगता है झारखंड का विकास कैसे होगा? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है और मानो घोषणा पत्र में झारखंड भारत का सबसे विकासशील और समृद्ध राज्य बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, पिछली 5 साल की पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने जो नियोजन नीति कोई आज तक सिद्ध नहीं की। हेमंत सोरेन ने आए थे, बोले थे नियोजन नीति हम बनाएंगे। 5 साल बीत गया, आज तक नियोजन नीति बना? रघुवर दास ने 1985 की नियोजन नीति बना करके 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए। हेमंत सोरेन भी तो कह रहे हैं 1932 को के राज्यपाल खारिज कर दे रहे हैं। क्यों नहीं किए? राज्यपाल का क्या, आप बहुमत की सरकार है तो आप क्यों नहीं किए? आप 5 साल से इस मुद्दा को लेकर के आप आए थे आप। लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया, 1932 गायब हो गया, स्थानीय नियोजन नीति गायब हो गया। कहा 1932 में? देखिए नियोजन नीति यहाँ के आधार से बनेगा। एक और सरना धर्म कोड था, ये भी गायब रह गया भाजपा के घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सर यहाँ की विकास की बात होगा, राष्ट्र की बात। हमने युवाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में जो पंच प्रण में आया है वो 2 वर्ष के लिए चलेगा, एवं स्वरोजगार 5 लाख और 2,87,000, 5 साल में सरकारी नौकरी दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, आज ये हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना चलाया, वृद्धा लोगों को पेंशन बंद कर दिए। हमारी सरकार बनेगी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 2500 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा पत्र जारी किया है, आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बताइए आप लोग जनता को क्या आश्वासन देंगे? क्योंकि लंबी चौड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। एक सेकंड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पूरे देश देख रहा है, देश ने पूरे देश देख रहा है। ये बात आपसे भी नहीं परे है, न जनता से परे है। मोदी जी जो भी कार्यकाल था, जो भी किए, वो पूरे दुनिया देख रही है। और वर्तमान में पूर्व में भी हमारे रघुवर दास जी भी यहाँ बहुत कुछ करके गए हैं। रघुवर के समान में ऐसा था कि यहाँ के शासन प्रशासन एक मुट्ठी में रखते थे। अभी ऐसे भ्रष्टाचार का लुप्त लगा हुआ है कि मानो कि जनता भी त्राही त्राही मच रहा है। जातीय आवासीय बनाने के लिए भी वहाँ पैसे दिए जाते, मगर उनके समय 108 डायल करने पे जन सुविधा से लेकर जन केंद्र तक होता था रघुवर जी की सरकार में। मैं निश्चित कहता हूँ चतरा की जनता को, सिमरिया की जनता को, कि बस यहाँ ठान चुके हैं। आप चतरा से आते हैं, क्या लगता है इस बार चतरा में? सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ रही है इंडिया अलायंस की तरफ से, इंडिया की तरफ से जनार्दन पासवान है। एक सेकंड, ऐसी कोई बात उनकी कहीं चर्चा नहीं है रश्मि प्रकाश का। जनता जनार्दन से भी पूछ लीजिएगा, रश्मि प्रकाश की कहीं चर्चा नहीं है। सत्यानंद भोक्ता वर्तमान में मंत्री, उसका तो प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं भैया, जनता वहां से नाप चुकी है कि उनको वहां से उखाड़ फेंकना है तो फेंकना है। वहां जनार्दन जी का आ रहे हैं, मतलब हेलीकॉप्टर, बस हेलीकॉप्टर चलेगा, लालटेन नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लालटेन बुझेगा। चलिए चाचा जी हैं, इनसे भी बातचीत करते, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम श्री मानदेतुरु है। मानदेतुरु है, कहाँ से आते हैं आप? सिमरिया विधानसभा से। सिमरिया विधानसभा से आते हैं, क्या माहौल है इस बार सिमरिया विधानसभा में? इस वर्ष माहौल जिस तरह से हमारे जो सरकार, हेमंत सरकार ने जो गलत काम किया है, बच्चे के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हमारे पिछले सरकार जो
रघुवर दास का सरकार था उस समय बहुत सारा बहाली निकाला गया, कम या बेसी संपूर्ण रूप से उसको नौकरी मिला गया। मैं हेमंत सरकार के स्वरण में जो भी बाहर निकला, कभी पेपर लीक, कभी घुसपैठी, और वो भी कहा उनका लोकल, वो भी कहा क्षेत्र से भी आते, वो जिस क्षेत्र आते हो विधानसभा से वहां से, ये सब को देखते हुए यहाँ के जनता तय कर चुका है कि इस बार उनका जो नगामी को, जो उनका बेईमानी को सरकार को हटा करके आप भाजपा सरकार आ गया, आप फिर नया से जो कार्य खराब हो गया उस कार्यों को अच्छा करके और नौजवान को फिर नया से अवसर दिया जाएगा और कोई पेपर लीक नहीं, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज है जहाँ की बहुत सारा गरीब लड़का लोग पढ़ता है एक आशा लगा के कि अपने बच्चों को हम ऐसे शहर भेजें पढ़ाई में नौकरी पाए, मगर वो आशा रह जाता है। सिर्फ सिर्फ उनका हेमंत सोरेन की सरकार में सिर्फ एक काम हुआ है। क्या गलतियां हुई हेमंत सोरेन से? गलतियां हुई है कि उनके दलाल को, उनके दलाल को बच्चा को पेपर दिया जाए, वो पेपर को पास किया जाए और गरीब को बच्चा को हटाया जाए, गरीब को बच्चा को नौकरी नहीं दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि गरीब के बच्चों को जो जैसे पेपर लिख के आपने बात की रोजगार को लेकर आपने बात की, प्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, आपका एक ही मुद्दा रहेगा। जी सर, यहाँ पे हेमंत सोरेन की चूक हुई है। और कहाँ पर विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा किया, कहाँ पे चूक हुई हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन के सरकार से बहुत सारा चूक हुई है। क्या महिलाओं से? अभी वृद्धा लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा जिसका कोई सहारा नहीं है, जैसे मामा है, चाची है, इसका कोई सहारा नहीं। एक सहारा था मोदी सरकार का वृद्धा योजना, और विधवा लोग के तो और बेसहारा वो लोग है, उन लोग के रोक, उन लोग का पैसा काट के और प्रलोभन देके वोट के लिए उन्होंने एक योजना निकाल दिया, मैया योजना। ये मैया योजना वो भी कैसा योजना होना चाहिए? ये योजना तो नहीं होना चाहिए, वो तो स्वयं मैया योजना, वो कमाने लायक है, जो कमाने लायक नहीं है उनको पैसा मिलना चाहिए। वृद्धा की बात, वृद्धा लोग का वो कमाने लायक नहीं है, उनका हाथ से कैसे रोजी चलेगा, उनका चाय कैसे चलेगा, उनका दूर रोटी कैसे चलेगा। सरकार को वृद्धा के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी महिलाओं की बात है तो आपने कहा वो योजना नहीं होना चाहिए, रोजगार को लेकर क्या सोच है आपकी? अपने महिलाओं को रोजगार क्रिएट करना चाहिए, महिलाओं को उस स्तर तक जागरूकता करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। इनकी सरकार में जब आए मजदूर का जो मजदूरी भत्ता होता, जो आपको क्या बोलते हैं आपका क्या जो मजदूरी भत्ता होता था, आज किसी को नहीं मिला 5 साल में, किसी खाता में नहीं आया। मैं तो खुद मजदूर हूँ, मैं खुद लेबर हूँ, मेरा खुद श्रम कार्ड है, कभी नहीं आया। हाँ, जब रघुवर सरकार की जब सरकार थी तो 2 बार मेरा आया था, उसके बाद ये 5 साल की सरकार क्या हवाल देती है, ये जातिवाद बांटने की बात करती है कि मैं आदिवासी को पट्टा दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ आज से कि कितना आदिवासी को पट्टा दे रहे हैं, केवल वोट बैंकिंग उनका है, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, केवल पट्टा पर बात करते हैं, आदिवासी पर बात करते हैं, वे कहते हैं बात कि करते हैं। सरकार 2 साल कोरोना में निकल गई, कुछ हम कार्य करने जाते हैं तो हमारे केंद्र सरकार अटंगा लगा देती है, बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं। बात सही बोली केंद्र सरकार, आप खुद के वो चोर रहेंगे तो चोर को सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आपसे पूछते हैं? चोर को सजा मिलना चाहिए ना। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे वहाँ कांग्रेस का हो, चाहे वहाँ झमामो हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, जिसको जो गलती किया है उनको सजा देना है, उनको सजा मिलता है। जिस तरह यूपी में हमारे योगी जी ने वो किसी पार्टी को नहीं देख, किसी जाति को नहीं बताइए, सबको सजा देते हैं। हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बीत गया, आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे कार्यकाल के बेसिस पे? या 10 नंबर के बेसिस में उनको तो लगभग 1 नंबर ही फालतू, क्योंकि वो ऐसा काम वो कर भी नहीं, अच्छा काम कर भी नहीं, उसको नंबर दिया जाए। क्या लगता है इस बार सिमरिया की जनता किसकी सरकार चाहती है? आपने हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि उनसे कई चूक हुई, रोजगार को लेकर के चूक हुई, उन्होंने महिलाओं की जो मैया सम्मान योजना की उन्होंने लेकर आए, उससे ज्यादा कहीं महिलाओं को रोजगार देना चाहिए अपनी कही। बताइए इस बार जनता के पास क्या मुद्दे हैं? अपने रोजगार को लेकर के कही, पेपर लीक को लेकर के कही, तो क्या इस बार सिमरिया की जनता किसकी सरकार चाह रही है, किसके ऊपर सिमरिया की जनता का भरोसा है कि हाँ ये झारखंड हित में काम करेगा?
सिमरिया की जनता जो है जो पिछले 5 साल के पहले जो यहाँ से भेजे थे बना के विधायक को, और इस बार फूल मोहम्मद जो हमारे उज्जवल दास जी हैं उनको भेज करके और हमारे बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना के, आप लोग बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हो? बहुत अच्छा मान लो, बीजेपी की सरकार भी चाहते हैं। जी जी बहुत है। चलिए क्योंकि हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिमरिया की जनता का राय है, बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं और क्या मुद्दे होंगे जिसके बेसिस पे आप वोट करेंगे।